नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे टॉकेटिवनेस यानी लोकेसिटी के। कुछ लोग होते हैं साथियों जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और आप इससे परेशान होते हैं। परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ज़्यादा बोल रहा हो। हालांकि बातचीत अपने विचार रखने का जरिया होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बोलना कभी कभी अच्छा नहीं होता है और इसमें कई खामियां सामने आती हैं। तो हम आपको बताएंगे साथियों, अत्यधिक बोलने, टॉकेटिवनेस या लोकेसिटी की होम्योपैथी में 8 कारगर दवाएं। वह दवाएं जो आपके इस कैफियत को, आपके सिम्टम को थोड़ा सा कम करेंगी और आपके बोलने को मतलब भर का और सामान्य करेंगी। क्योंकि साथियों, सबसे बढ़िया बात होती है, मैं आपको बताऊं, दूसरे की बात सुनना। इससे आप कई मकसद एक साथ हल कर लेते हैं। आपने जितने भी बड़े आदमी देखे होंगे, वो ज़्यादा बोलते आपको नहीं मिले होंगे। देखिए, स्पीच देना अलग बात है। जब हम लोग पब्लिक मीटिंग में जाते हैं तो भाषण देते हैं, लंबा भाषण देते हैं, को सोचते हैं समय को लंबा खींचें और 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तक भाषण चला जाता है। लेकिन जब आप सभा में बात करते हैं, 10 लोगों के बीच बात करते हैं, तो उनकी बात सुनना चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति में ऐसी आदत है कि वो बोलता ही रहता है, तो उसके लिए यह वीडियो है। अगर आप इस अपनी कमी को दूर करना चाहते हैं तो यह वीडियो देखें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। बताते हैं आपको अत्यधिक बोलने, टॉकेटिवनेस या लोकेसिटी को दूर करने की 8 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों, नंबर 1 दवा होम्योपैथी में जो आपकी लोकेसिटी यानी अत्यधिक बोलने को कम करने की है, वह है लेकासिस। लेकासिस 1 mg के 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर हर वह व्यक्ति ले सकता है जिसको बहुत ज़्यादा बोलने की आदत हो, बहुत तेज़ बोलने की आदत हो, बहुत जल्दी जल्दी अपने वर्ड्स को ओमिट करता हो और टॉपिक्स को बदल लेता हो, सीक्वेंस टॉपिक का ना रहता हो। बातचीत में एक सीक्वेंस होना चाहिए। वो सब्जेक्ट्स को स्विच ओवर कर लेता हो, चेंज कर लेता हो। तो अगर यह बात आप में साथियों दिखती हो, आपको अपने महसूस होती हो, तो आप लेकासिस की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली 2 महीने तक ले सकते हैं। आपका जो अत्यधिक बोलना, बहुत जल्दी जल्दी शब्दों को बोलना और एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर कूद जाना, यह जो सिम्टम है वह ठीक हो जाएंगे और आप लाभान्वित होंगे। एक स्थिति साथियों आती इमोशंस की। व्यक्ति के इमोशंस बदलते रहते हैं। वो कुछ ना कुछ, एकदम से खुश है, एकदम से दुखी हो गया, एकदम से चुप है, एकदम से बोलने लगा। अब जब बोलने लगा तो बोलने ही लगा। तो अगर यह स्थिति हो कि वो अपने होश में ही ना हो और बोलता रहे, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है स्ट्रेमोनियम। आप स्ट्रेमोनियम 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं जो कुछ ना कुछ हर वक्त कर रहा हो। एकदम से पूजा पाठ करने लगेगा, एकदम से पूजा से उठ जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ बोलता ही रहेगा। ऐसे व्यक्ति की दवा स्ट्रेमोनियम है। आप उसको स्ट्रेमोनियम दवा देकर उसको ठीक कर सकते हैं। एक साथियों स्थिति आती है व्यक्ति में कि वह हर समय गाता रहता है। वह आपकी बात का जवाब कम देगा, हर समय गाने की उसकी आदत होगी, सिंगिंग की आदत होती है। तो अगर यह स्थिति किसी में है तो उसको दूर करने की इस बहुत कारगर दवा है होम्योपैथी में, और दवा का नाम है एगारिकस मस्कैरिस। आप एगारिकस 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। इस दवा से आपकी यह जो बात बोलने के बजाय गाने की प्रवृत्ति है, यह ठीक होगी और आप समाज में अपनी बात को बेहतर रख पाएंगे। एक स्थिति आती है साथियों कि आप लगातार बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं और शब्दों को बीच बीच में गायब करे दे रहे हैं। तो अगर यह स्थिति हो कि आपको बहुत लगातार बोलने की आदत हो, लेकिन आधे शब्द बीच में छोड़ जाते हों, स्टम्बल कर जाते हों, फंबल कर जाते हों, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है क्रोटेलस हॉरिडस। आप क्रोटेलस हॉरिडस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यदि आपको लगता हो कि आप वर्ड्स को स्विच ओवर कर जाते हैं, लेकासिस और क्रोटेलस में फ़र्क यह है कि लेकासिस के मरीज बहुत साफ और सही बोलता है लेकिन ज़्यादा बोलता है, लेकिन जो क्रोटेलस का पेशेंट होता है या बहुत ज़्यादा बोलता है लेकिन गलत बोलता है, बीच बीच के सेंटेंसेस को गायब कर देता, खा जाता है, उस स्थिति की दवा क्रोटेलस है। एक साथियों स्थिति आती है ज़्यादा बोलने की स्थिति में कि वह है बेमतलब की बात। एक टॉपिक पे बात हो रही, आप दूसरे टॉपिक पे बदल गए। कई जगह देखा होगा, जैसे अभी मैं
एक कार्यक्रम में था, वहाँ पे मैंने देखा कि वह कार्यक्रम शिवाजी पर आधारित था। शिवाजी जो अपने वॉरियर थे, अपने इतिहास के महान योद्धा थे, उन पर आधारित था, शिवाजी की जयंती पर। लेकिन जो है हुआ क्या कि जो है वो जब वहाँ सभा में बातचीत हुई तो शिवाजी के बारे में तो लोग कम बोले या कुछ ही एक आध वक्ता बोले, वो अन्य विषयों पे चले गए। तो यह जो स्विच ओवर टॉपिक का है, अगर यह है आप में तो इसको ठीक करने की बहुत कारगर दवा है एक्टिया रेसिमोसा। आप एक्टिया रेसिमोसा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। यह दवा आपको जो विषय है उसी पे बात करने में मदद करेगी, आपका मेंटल स्टेट जो टॉपिक को स्विच ओवर कर लेता है वहाँ यह दवा खत्म कर देगी। कभी कभी तो साथियों स्थिति होती है कि आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं और आपको पता ये फालतू बेफालतू है, यह बातें बेफालतू हैं, लेकिन फिर भी आप बोलेंगे ज़रूर। तो इस स्थिति को कि जिसमें आपको यह स्थिति भली भांति ज्ञात है कि आप जो बोल रहे हैं वो बेकार की बातें, कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन फिर भी आपको बोलते रहना है, उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कैनबिस इंडिका। आप कैनबिस इंडिका 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं जिसको सही हो या ना हो बस बोलते रहना है, उसको पता है कि वो गलत कर रहा है लेकिन वो करता रहता है। तो कैनबिस इंडिका 30 पावर में देके ऐसे व्यक्ति को शांत किया जा सकता है। एक स्थिति आती है साथियों ज़्यादा बात करने की आदत के कि बोलना ही बोलना है, कोई सामने हो चाहे ना हो, आपके उस एज ग्रुप का व्यक्ति हो चाहे ना हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ बोलते ही रहना है। तो अगर यह स्थिति साथियों है तो इस स्थिति को दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है स्ट्रिक्टा पल्मोनेरिया। आप इस स्ट्रिक्टा पी 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा जो आपकी बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है इसको ख़त्म करेगी और आपको दूसरों की बात आपको सुनने की क्षमता बढ़ाएगी। एक साथियों स्थिति आती होगी कुछ लोगों में, आपने देखा होगा वे कुछ ना कुछ धीरे धीरे बोलते रहते हैं, मतलब बस हल्की सी आवाज़ आपको आती रहेगी वो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। अगर उस तरह की परिस्थिति हो साथियों तो ऐसे व्यक्तियों को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है हायोसाइमस निगर। आप हायोसाइमस 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं जो कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है, कुछ ना कुछ धीमे धीमे बोलता रहता है लेकिन चुप नहीं रहता, हायोसाइमस उसकी दवा है। यह दवा उसको शांत करेगी, उसको अपने एक बात पे केंद्रित करेगी और इस तरह की अनर्गल जो उसकी ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, ऊर्जा खर्चा हो रही है, उसको रोकेगी। ये साथियों को दवाएं थी आपकी ऊर्जा को बचाने की, आपका जो ऊर्जा का ह्रास होता है ज़्यादा बोलने में उसको ख़त्म करने की। अगर साथियों एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो भी दवाएँ हैं यह कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा के ही लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के मेंटल स्टेट की तमाम मेडिकल कंडीशंस होती हैं। यह वीडियो साथियों अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अपने चैनल को और बेल नोटिफिकेशन का आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नए वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों हमारे साथ इतनी देर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।